कटनी के कोठला क्षेत्र के पन्ना मोड़ के पास स्थित IDBI बैंक के ATM से 15-16 सितंबर की दरमियानी रात चोरी की वारदात के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस को CCTV कैमरों से सुराग मिला और उन्हीं सुरागों के माध्यम से पुलिस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह तक पहुंच गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जबकि 3 आरोपी अभी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि CCTV कैमरों की मदद से एक कार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था जिसके आधार पर जानकारी मिली कि यह कार राजस्थान की है। इसके बाद पुलिस टीम को राजस्थान भेजा गया जहां पर पुलिस की टीम ने कार के चालक रफीक खान को पकड़ा। पूछताछ में रफीक ने बताया कि उसने खालिद जाहिद और दीन मोहम्मद के साथ मिलकर ATM को गैस कटर से काट कर रुपए चोरी किए थे जिसके बाद पन्ना होते हुए वे राजस्थान आ गए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रुपए और कार को जब्त किया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने और वारदात का खुलासा करने में कोठला थाना प्रभारी विपिन सिंह, पुलिस विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार, निरीक्षक HL चौधरी शामिल रहे। दिनांक 16/20 को IDBI बैंक के मैनेजर श्री कमलेश कुमार पटेल द्वारा सूचना दी गई थी कि 15-16 तारीख की दरमियानी रात पन्ना तिराहे के पास IDBI बैंक की ATM को गैस कटर से काट कर चोरी कर ली गई। सूचना मिलने पर थाना कोठला में अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ललित शाहकुमार सर को, CSP सर को, IP सर को सबको अवगत कराया गया। घटनास्थल पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, तत्काल डॉक्टर अवनीश शोधिया साहब फसल वैज्ञानिक अधिकारी टीम के साथ पहुँचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर तत्काल मौके पर टीम का गठन किया जिससे घटना का तत्काल पर्दाफाश किया जा सके। उसी तारतम्य पे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी कोठला के निर्देश में नेतृत्व में टीम चौकी प्रभारी बिलहरी, FSL वैज्ञानिक अधिकारी साहब के निर्देश में, साथ ही अपने साइबर सेल और रेडियो इंस्पेक्टर को भी टीम में लगाया गया। शहर के सभी कैमरों के CCTV फुटेज निकाले गए एवं जिस रूट पर वाहन को आना जाना पाया गया तो पन्ना तक के CCTV फुटेज निकाले जाने पर हमें घटना में संलिप्त कार का पता चला जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक टीम तत्काल राजस्थान हरियाणा के लिए आरोपी गणों की गिरफ्तारी हेतु रवाना हुई जिस पर से कार के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और घटना में जो चोरी किए गए रुपए थे उसमें से 50,000 रुपए की रिकवरी की गई है एक आरोपी से। शेष आरोपी गणों की तलाश जारी है तथा घटना में प्रयुक्त वाहन विटारा ब्रेजा कार को भी जब्त किया गया है। कुल कितनी रकम थी सर इसमें? चोरी की रकम जो बैंक मैनेजर साहब ने रिपोर्ट पे लेख कराया था उसमें 5,55,600 रुपए की राशि चोरी जाना बताया था। अभी इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है जो हरियाणा और राजस्थान के हैं। ये मेवाती गैंग है जो अंतर्राज्यीय गैंग है और हर जगह जाकर ATM कटर के माध्यम से काट के पैसे ले जाते हैं। जो आरोपी गिरफ्तारी हुई क्या नाम है सर इसका? आरोपी अभी जो हमारे पास गिरफ्तार हुआ है रफीक खान, पिता हारून खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी मठेपुर, जिला पलवर हरियाणा का है। क्या कुछ धाराएं लगी हैं सर इस पर? अभी इनके ऊपर 457-380 चोरी की धाराएं लगी थी उसी पर अनुसंधान आगे किया जा रहा है। कटनी से RB गुप्ता की रिपोर्ट।